ये ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे अपना कांवड़ में जल लेकर के। आज रात को करीब 2:15 बजे के आसपास सादाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद हाथरस में, यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है जो 7 कांवड़िए चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। इसमें अभी तक की प्राप्त जानकारी में 5 कन्फर्म्ड कैजुअल्टी हैं, एक और की स्थिति क्रिटिकल है। जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है। और अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं, विधिक कार्रवाइयाँ हैं, वो सब की जा रही हैं और इनका सबको ग्वालियर वापस भेजने का इंतजाम कराया जा रहा है। हाँ, उसके बारे में जानकारी मिल गई है और उसके लिए अलग से टीम लगी हुई है, तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। सर, सुरक्षा के क्या कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं कांवड़ियों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं अभी रास्ते से आ रहा हूँ, आगरा से भी आ रहा हूँ, तो मुझे भी रास्ते में करीब 4-5 पेट्रोलिंग व्हीकल मिली हैं और वो लगातार कांवड़ियों के साथ चल रही हैं। शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रात्रि में भी पेट्रोलिंग रहती है, जो हमारी यूपी 112 की गाड़ियां हैं वो भी कांवड़ियों के साथ रहती हैं। लेकिन क्योंकि कम संख्या में, छोटी छोटी संख्या में पूरे रास्ते में बिखरे रहते हैं, तो हर एक ग्रुप के साथ होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारी पूरी सहानुभूति जो है, जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके साथ में है, और जो बाकी शेष लोग ग्वालियर के हैं उनके साथ हमारी बात हुई है और उनके इच्छा के अनुरूप बाकी सारी व्यवस्था कराई जा रही है। क्या सर, कोई मुआवजे की भी कुछ सुविधा दी जाएगी इनको? जो भी शासन के आदेश के अनुसार, नियमानुसार चीज़ें होंगी, सब की जाएंगी। दूसरा, घायल व्यक्ति की क्या स्थिति बताई जा रही है? घायल व्यक्ति जो है वो आगरा में SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। मेरी वहाँ पर डॉक्टर से भी और वहाँ पर जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी बात हो रही है। वो अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उसके परिजन वहाँ पहुँच गए हैं और उसका इलाज वहाँ पर चल रहा है। हम लोग लेके आए हैं हरिद्वार से। हरिद्वार से तो ग्वालियर जा रहे थे। हाँ, कितने लोग जा रहे थे आप लोग? हम 7 कामरे थे, 7 के साथ में 3 लोग चलते हैं, 1 कामरे के साथ 3 लोग चलते हैं, मतलब 20-21 लोग थे। तो मात्र कुछ गांव वाले लेवाने के लिए आ गए, हमारे यहाँ पे आ जाते हैं लेवाने के लिए। तो गांव वाले भी थे साथ, हमारे भैया जो परिवार के सब है, 40 लोग। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? ग्वालियर से ग्वालियर जा रहे थे। हरिद्वार से ग्वालियर? ग्वालियर बांगी गांव अपना। तो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? ये मालूम नहीं कहाँ पे हुआ है, मतलब मालूम नहीं। परदेसी ट्रक वाला देखे। आपका कौन है यहाँ? आपका कौन है यहाँ पर? इसमें मेरा भतीजा है। क्या नाम है उसका? रणवीर है, जबर सिंह है। कितने लोगों की मौत हुई है? क्या मालूम है, मालूम नहीं, मैंने गया। अच्छा, आपके कौन कौन थे यहाँ?
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।